तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम ज्ञान मंत्रा में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राम समाज एवं विकास तथा ग्रामीण जानकारी का जो पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक है उस टॉपिक को। ये पंचायती राज व्यवस्था की हमारी दूसरी वीडियो है, इसके पहले एक वीडियो और आ चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया है उस पर जल्दी से क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि पंचायती राज की संकल्पना से क्या तात्पर्य है। तो पंचायती राज की संकल्पना से तात्पर्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता है जो वो एक हाथ में ना देकर कई पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाए। ठीक है, तो जैसे कि पंचायती राज उत्तर प्रदेश में लागू है तो इसमें पंचायती राज त्रिस्तरीय स्तर का है, जैसे कि गाँव में होती हमारी ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर होती हमारी जो ब्लॉक लेवल पर है वो होती है क्षेत्र पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हमारी जिला पंचायत। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया तीन भाग में। ठीक है, उसके बाद पंचायती राज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई, यानी कि पंचायतों की स्थापना किस उद्देश्य से की गई। तो पंचायतों की स्थापना की गई थी सबसे पहले गाँव के विकास के लिए। गांधी जी की एक योजना थी जिसका नाम था गांधी जी की ग्राम स्वराज्य योजना, तो उसके अंतर्गत पंचायतों की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कृषि विकास, गौवन संवर्धन, बागवानी, खादी ग्राम उद्योग व कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को पूर्ण स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से की गई थी। अब अगला प्रश्न है हमारा कि पंचायती राज व्यवस्था में वास्तविक स्वराज के लिए किसको प्रमुख अंग माना गया है। तो ग्राम स्वराज को प्रमुख अंग माना गया है वास्तविक स्वराज का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया गया है कि आप अपने राज्य में पंचायतों का गठन करें। तो अनुच्छेद 40 इसमें दिया गया है निर्देश राज्यों को पंचायत गठन करने का। और अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 40 आता है नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत। ठीक है, नीति निदेशक तत्व, और साथ में मैं बता दूं नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं संविधान के लिए, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं हमारे नीति निदेशक तत्व। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इनका वर्णन किया गया है 36 से 51, जो हमारे अनुच्छेद है 36 से 51, इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है नीति निदेशक तत्वों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था। तो 1993 में संविधान में 73वां संशोधन करके और संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़कर तथा इस भाग में 16 नए अनुच्छेदों और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत के गठन, पंचायत के सदस्यों के चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण व पंचायत के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जो 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो तब मान्यता दी गई थी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा लेकर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्र में अलग से मंत्रालय की स्थापना की गई, उसका नाम क्या था। तो केंद्र में जो मंत्रालय रहता है उसका नाम रहता है पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, और इसके अलग से कैबिनेट मंत्री भी रहते हैं। उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया था हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब देखें जो समितियां हैं पंचायती राज की, उन सभी समितियों के बारे में। ये समिति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इनको आप एक कॉपी पे नोट कर लें। सबसे पहले थी, सबसे इम्पोर्टेंट समिति है जो, वो है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है दोस्तों, कौन सी समिति,
बलवंत राय मेहता समिति, और इसका गठन किया गया था 1957 में। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या थी बलवंत राय मेहता समिति। तो समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, क्रमशः गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत को स्थापित करने की सिफारिश की। उसके बाद है अशोक मेहता समिति। ये समिति लागू की गई थी या गठन किया गया था इसका 1977 में। इसको देखें कि इसके अंतर्गत क्या, तो इसकी सिफारिशें इस प्रकार हैं। राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो, जिला स्तर के नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाए, ग्राम पंचायत समितियों को समाप्त कर दिया जाए, और मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। मंडल पंचायत तथा जिला परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष का हो। विकास योजनाओं को जिला परिषद द्वारा तैयार किया जाए। तो ये थी हमारी अशोक मेहता समिति। अब देखें अगली समिति, वो थी बीपीके राव समिति। ठीक है दोस्तों, कौन सी थी? बीपीके राव समिति, और ये गठित हुई थी 1985 को। इसके अंतर्गत इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास मंडल, जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा गांव स्तर पर गांव सभा के गठन की सिफारिश की। तो अभी जैसे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में गठित है, इसके जो बीपी के राव मेहता समिति थी, इसके अंतर्गत 4 स्तर थे। ठीक है, इनने वर्णन किया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था हो वो 4 स्तरों की हो। सबसे पहले राज्य स्तर पर हो हमारी ये व्यवस्था, उसके बाद जिला स्तर पर भी हो व्यवस्था, उसके बाद जो मंडल स्तर है उस पर भी हो व्यवस्था। चूँकि मंडल जिला से बड़ा होता है, तो सबसे पहले राज्य, फिर मंडल, फिर जिला, उसके बाद गांव सभा, जो ग्राम पंचायत रहती है। ठीक है, तो बीपी के राव समिति के अंतर्गत 4 स्तर थे। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में कितने स्तर हैं? 3 स्तर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू है। उसके बाद 1986 एलएम सिंघवी, इनने क्या समिति दी थी? तो इस समिति ने गांव पंचायतों को अधिक सक्षम व प्रभावशाली बनाने के लिए गांव के पुनर्गठन की सिफारिश की तथा गांव को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इन्होंने कहा कि गांव को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, यानी कि जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत रहती है उसको अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाएं। उसके बाद जो समिति थी वो थी पी के थुंगन समिति, और वो आई थी 1989 में। इन्होंने अपनी समिति में क्या कहा? तो इस समिति की सिफारिशों में यह महत्वपूर्ण था कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाए, अतः इनकी सिफारिश के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित नहीं हो सका और कानून बनने से रह गया। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो लोकसभा व राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। महामहिम राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को इस पर अपनी सहमति दे दी, और यह 24 अप्रैल 1993 से देश में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो कब प्राप्त हो गया था संवैधानिक अधिकार? 20 अप्रैल 1993 को। और जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछूं, तो आप सभी उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें कि जो पहला राज्य था पंचायती राज वो कौन सा था, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला। आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को पढ़ाया भी था। ठीक है दोस्तों।